दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो हैक और एक आपके साथ मैं ऑयल शेयर करूँगी जो आपके नाखूनों को लॉन्ग भी बनाएगा और स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। ये तरीका न सिर्फ आपके नेल्स को मजबूत बनाएगा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे जो नाखून हैं वो लंबे होना शुरू हो जाते हैं लेकिन कमज़ोर होने की वजह से जब वो लंबे होते हैं तो टूट जाते हैं, तो ये रेमेडी आपके नेल्स को लंबा करेगी, ये रेमेडी आपके नेल्स को मजबूत भी करेगी। तो वीडियो को पूरा देखना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर आपने छोटा सा काम कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले इस तरह का एक छोटा सा बाउल ले लें या कोई कंटेनर ले लें, उसके अंदर आपने ऐड करना है ओलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। दोस्तों जैतून का जो तेल होता है ये नेल्स को लंबा और मजबूत बनाने के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच के करीब आप लोगों ने ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है विटामिन ई के कैप्सूल, तो आपने 2 ऐड करने हैं, चाहे तो इवियन की कैप्सूल ऐड करें, चाहे तो आपके पास अगर ऑयल है विटामिन ई का तो आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 2 जो कैप्सूल है वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। दोस्तों अक्सर औकात ऐसे होता है कि ड्राइनेस की वजह से हमारे नेल्स जो है वो टूट जाते हैं, तो ये ऑयल ड्राइनेस को खत्म करेगा और आपकी नेल्स को लंबा कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं दोनों के दोनों जो ऑयल हैं इसके अंदर से निकाल लूंगी और इस तरीके से ऐड कर लूंगी। ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि दोनों किस्म के जो ऑयल हैं वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर आपने बात को ध्यान से समझना है, इसको रेडी करके आपने कब लगाना है, आपने रात में लगाना है। और आगे चल के जो मैं हैक आपको बताने वाली हूँ वो हैक अप्लाई करने के बाद भी आपने रात को ये सीरम ये ऑयल लगा के सोना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। लगाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है, चाहे तो आप अपनी उंगली की मदद से लगा लें, ठीक है, चाहे तो आप इस कॉटन पैड की मदद से लगा लें, आपकी अपनी चॉइस पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके साथ लगा के आपको दिखा रही हूँ, आप फिंगर की मदद से लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अपनी फिंगर पर लें इसका इस तरह का ऑयल और इस तरीके से अपनी फिंगर की मदद से आप लोगों ने मसाज करते रहना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद। मसाज करने के बाद उसको छोड़ दें, सुबह उठ के आपने नॉर्मल जैसे आप अपने हाथों को मुँह को धोते हैं वैसे आप उन्हें दो लेना है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके नेल्स की ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि पर्सनली मैं सब कुछ यूज़ कर रही हूँ अपने नेल्स के ऊपर, जब भी कोई शादी स्टार्ट होती है तो मैं कोई ना कोई रेमेडी लगाना शुरू कर देती हूँ अपनी नेल्स के ऊपर ताकि बढ़ जाए, क्योंकि नेल पेंट जो है वो लंबे नाखूनों के ऊपर बहुत प्यारी लगती है और अगर आप कोई नेल आर्ट करना चाहती है तो वो भी लंबे नाखूनों पर बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं जी हैक नंबर 1 को। तो उसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों हमें अपने नेल्स को साफ करना होता है। मेन चीज है कि हमारे नेल्स बिल्कुल साफ नजर आए और चमकते हुए नजर आए। वो क्या करना है, उसके लिए आपने एक लीमू लेना है, लीमू के अंदर से बीज को निकाल लेना है, उसको कट कर लेना है, ठीक है। कट करने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से मसाज करना है, सीधी साइड पे भी मसाज करना है, उल्टी साइड पे भी आप लोगों ने इस तरीके से मसाज करना है ताकि अंदर से आपके जो नेल्स हैं वो नीट हो जाएं, क्लीन हो जाए। इसको आप रोज़ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है अच्छे तरीके से तमाम नेल्स के ऊपर। मेन जो हमारा मकसद है वो ये है कि नेल्स को साफ करना है, ठीक है, और नेल्स की ऊपर वाली जो सतह है उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है ताकि उस पर चमक भी हो और ये जो हमारा लेमन है ये नेल्स को मोटा भी करेगा और मजबूत करेगा। लेमन बहुत बेहतरीन चीज़ है नेल्स के लिए, ठीक है। टैनिंग को तो ये रिमूव करते ही करता है हाथों पांव की, लेकिन साथ ही साथ ये आपके नेल्स के ऊपर जो कालापन है पीलापन है ना उसको भी दूर करेगा और आपके नेल्स को वाइट कर देगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों ने फिर चाहे इस कपड़े की मदद से साफ कर लें, चाहे तो कपड़े की मदद से साफ ना करें, साथ ही आप लोगों ने वही सीरम अप्लाई कर लेना है और ये प्रोसेस आपने रात में करना है, लीमू के साथ मसाज करना है और तकरीबन 5 मिनट मसाज करना है। उसके बाद ये ऑयल या सीरम जो मैंने बनाना आपको सिखाया है स्टार्टिंग में वही आप लोगों ने लगा लेना है और फिंगर की मदद से लगाएं तो बहुत बेस्ट है, इजीली आप लगाएंगे। आपने मसाज करना है और आपने फिर क्या करना है, आपने सो जाना है इजी होके और सुबह उठ के आप लोगों ने अपने हाथों को नॉर्मल जैसे आप वॉश करते हैं वैसे तरीके से वॉश कर लेना है। अब चलते हैं जी सेकंड हैक की जानिब। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, लहसुन चाहिए है। दोस्तों लहसुन की बहुत ज़्यादा स्मेल होती है लेकिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और फैशन के लिए आप सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तो आप लोगों ने करना ये है कि इसके ऊपर से छिलका आपने रिमूव नहीं करना, इस तरीके से आप लोगों ने काट लेना है। काटने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से मसाज करना है अपने नेल्स के ऊपर। आप चाहे तो लीमू वाला स्टेप कर लें, चाहे तो ये वाला स्टेप कर लें, दोनों में से आप कोई सा एक कर लें। चाहे तो आप लीमू के साथ मसाज कर लें, चाहे तो आप लहसुन की मदद से मसाज कर लें, दोनों स्टेप में से आपको जो भी ईजी लगता है आप कर सकते हैं, दोनों में से एक करना है आप लोगों ने, ठीक है। और कोशिश करें कि आप जो लहसुन ले रहे हैं वो बाजार वाला नहीं बल्कि घर वाला हो तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने नेल्स के ऊपर इस तरीके से मसाज करना है।
लहसुन जो होता है वो नेल्स को मजबूत बनाता है, लंबा बनाता है और साफ करता है। जो काम लींबू का है वही काम हमारे लहसुन का भी है, इसलिए दोनों में से एक को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, लहसुन अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने फिर से वही ऑयल लगाना है और अच्छे तरीके से ऑयल लगाना है और रात को लगा के सो जाना है। सुबह हाथों पाओं को जहाँ पे भी आपने नेल्स के लिए लगाया होगा वहाँ पे वॉश कर लेना है और ये ऑयल अच्छे तरीके से आपके नेल्स के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करना है ताकि मैं मजीद भी ऐसी वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चाहूँगी आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।